नमस्ते दोस्तों, हमने ये जो प्लान मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही यूनिक प्लान है और मॉडल टाइप का प्लान है। बहुत ही मॉडल टाइप का यूनिक प्लान मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। जो कंस्ट्रक्शन का एरिया है वो 26 फीट 7.5 इंच लेंथ विड्थ है उसकी प्लॉट की, और 42 फीट जो कंस्ट्रक्शन एरिया की लेंथ है। उसके बाद मैं आपको अभी, और ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया है स्लैब एरिया जो है हाउस का, वो है 1039.51 स्क्वायर फीट में हमने ये उसका कंस्ट्रक्शन एरिया है। उसके बाद हमने यहाँ प्लान ऐसा डिजाइन किया, यहाँ पे पोर्च है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल में यहाँ पे एक लिविंग रूम है, लिविंग रूम में ही कॉमन एक किचन है, किचन के बाद हमने यहाँ पे बेडरूम दी है, एक स्टोर रूम है, मास्टर बेडरूम है, एक कॉमन अटैच कॉमन टॉयलेट है वहाँ पे, इसके बाद अटैच टॉयलेट बाथरूम है। उसका हम अभी डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। जो यहाँ से स्टेयर अप ऊपर जाके यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, जो पोर्च है पोर्च की जो विड्थ है वो है 10 फीट 7 इंच, उसकी जो लेंथ है वो है 6 फीट 10.5 इंच। उसके बाद जो हमने कॉन्फ्रेंस हॉल दिया है उसकी जो विड्थ है वो है 8 फीट 5.5 इंच, उसकी जो लेंथ है 8 फीट। यहाँ पे हमने सीटिंग अरेंजमेंट, टी टेबल, यहाँ पे हमने टीवी यूनिट दिखाया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये है लिविंग रूम है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, ऐसा पूरा डाइनिंग, यहाँ पे टीवी यूनिट है। जो विड्थ है वो है लिविंग रूम के 22 फीट 1.5 इंच, और जो लंबाई है लेंथ है वो है 10 फीट 6 इंच। उसके बाद यहाँ पे किचन है, किचन की जो विड्थ है वो है 11 फीट 2 इंच, उसकी जो लेंथ है लंबाई है वो है 18 फीट 10.5 इंच। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया है, उसकी जो साइज है ऐसी है 10 फीट, उसके बाद लेंथ जो है 14 फीट 4.5 इंच। यहाँ पे एक स्टोर रूम है, उसकी जो विड्थ है 4 फीट और लेंथ जो है 6 फीट 7.5 इंच। यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट है, उसकी जो लेंथ विड्थ है वो है 5 फीट, जो लेंथ है लंबाई है वो 4 फीट। उसके बाद हमने एक मास्टर बेडरूम दी है, उसकी जो साइज है जो विड्थ है मास्टर बेडरूम की 10 फीट 4 इंच, उसकी जो लेंथ है वो है 10 फीट। यहाँ पे हमने एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है, उसकी जो विड्थ है वो है 5 फीट, उसकी जो लेंथ है लंबाई है वो है 4 फीट। ऐसा हमने ये 2 BHK का प्लान डिजाइन किया है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल, लिविंग रूम में अटैच किचन भी दिया है, उसके हिसाब से हमने ऐसा डिजाइन करके दिया है। और 1039.51 स्क्वायर फुट का ये कंस्ट्रक्शन एरिया है।